I belong to CDF schooling system. Today my topic is imperative sentence. Well, तो हम जानेंगे कि imperative sentence किसे कहते हैं. Imperative sentence यानी हुक्मी जुमला. A sentence which shows commands, request, order, advice and permission is called imperative sentence. वो जुमला जो हमें show करे commands, request, order, advice और permission को उसे हम imperative sentence कहते हैं. अब मेरे पास कुछ सेंटेंस है कमेंट्स के. कमेंट्स यानी जैसे कि हम हमारे नजरिए में कुछ हमें अच्छा लगता है कुछ बुरा लगता है. अब जैसे कि मुझे ये चीज नहीं अच्छी लगी तो क्या पता किसी दूसरे को अच्छी लग रही हो. अब मेरे पास मैं सेंटेंस बताती हूँ. इट इज नॉट बेस्ट, ये अच्छा नहीं है. इट स्मेल इज नाइस, इसकी स्मेल अच्छी है. अब मैं बताऊंगी आपको रिक्वेस्ट के बारे में. रिक्वेस्ट यानी किसी से हम माजरत करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव हिज बाइक साइकिल, मुझे इसकी बाइक साइकिल दो. इंपेरेटिव सेंटेंस शो करता है रिक्वेस्ट को, कमेंट्स, ऑर्डर, एडवाइस एंड परमिशन. आज मैं आपको बताऊंगी ऑर्डर के बारे में. ऑर्डर जैसे कि हम ऑर्डर देते हैं कि शट द डोर, दरवाजा बंद करो. ओपन योर बुक, अपनी बुक खोलो. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फिजा, माय फादर इज राशिद, आई डिड इन क्लास 5, आई एम बिलोंग टू सीनियर स्कूलिंग सिस्टम. टुडे माय टॉपिक इज इंपेरेटिव सेंटेंस. पहले तो हम जानेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस है क्या. इंपेरेटिव सेंटेंस से ही हमें पता चल रहा है कि हुक्मिया जुमले. अब मैं जो है वो आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी. अ सेंटेंस विच शोज कमेंट्स, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड परमिशन इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस. वो जुमले जो जाहिर करते हैं शो यानी जाहिर, वो जुमले जो जाहिर करते हैं कमेंट्स को, रिक्वेस्ट यानी माजरत को, एडवाइस यानी नसीहत को और परमिशन यानी इजाजत को, उसे जो है वो हम इंपेरेटिव सेंटेंस यानी हुक्मिया जुमले कहते हैं. इसमें मैं एग्जांपल लेती हूँ एडवाइस. एडवाइस यानी नसीहत. नसीहत देते हैं हम किसी को हार्ड वर्किंग एंड टू गेट योर गोल, यानी अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो आप जो है वो अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे. इस तरह से मैंने बनाए हैं ऑलवेज बी हॉनेस्ट, आपको जो है वो हमेशा सच बोलना चाहिए. और है रिस्पेक्ट द एल्डर, हमें बड़ों की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए. अब मैं बताऊंगी आपको परमिशन के बारे में. परमिशन यानी इजाजत. इजाजत जो है वो हम रोजमर्रा की जिंदगी में ले रहे होते हैं, टीचर से ले रहे होते हैं, मैडम से ले रहे होते हैं. इस तरह से जैसे मैं बोलूँ कैन आई गो टू वॉशरूम, क्या टीचर मैं जा सकती हूँ. कैन आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकती हूँ. कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ. इस तरह से टुडे माय टॉपिक इज फिनिश्ड. थैंक यू.